तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनपीके 19-19-19 वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर के बारे में, और आगे हम बात करेंगे कि आपको इसे कब और कितने दिन के बाद अपनी फसल में उपयोग करना चाहिए और आपको इसे कब तक उपयोग करना चाहिए, और साथ ही इसे उपयोग करने से हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं और इसका डोज क्या रहता है और साथ ही इसका प्राइस कितना रहता है। तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो किसान भाइयों, एनपीके 19-19-19 मार्केट में अलग अलग कंपनी का और अलग अलग नाम से मिलता है, लेकिन सब में एक जैसा ही कंटेंट होता है। तो किसान भाइयों, एनपीके एक केमिकल प्रक्रिया के द्वारा बनाया गया एक उत्पाद है। इसमें पौधे के लिए जरूरी मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश की मात्रा पाई जाती है। यह पौधे की संपूर्ण ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो किसान भाइयों, पहले बात करते हैं कि एनपीके 19-19-19 को हम क्यों उपयोग करते हैं। तो किसान भाइयों, जब हमारी फसल की ग्रोथ अच्छे से नहीं होती है, जैसे कि फसल लगाने के बाद पौधे का पीला पड़ना या फिर पौधे का जरूरत के हिसाब से बढ़वार ना होना और पौधे का विकास वहीं पर रुक जाना, तो इस अवस्था में हमें एनपीके 19-19-19 का उपयोग अपनी फसल में करना चाहिए। इससे यह फायदा होगा कि इसे पौधे में सीधा स्प्रे करने के कारण पौधे को जरूरी पोषक तत्व मिल जाते हैं और पौधा इसे जल्दी ग्रहण कर लेता है जमीन में डालने वाली खाद की अपेक्षा, और पौधे का रुका हुआ विकास शुरू हो जाता है। और किसान भाइयों, एनपीके 19-19-19 में नाइट्रोजन की मात्रा 19%, फॉस्फोरस की मात्रा 19% और पोटेशियम की मात्रा भी 19% होती है, जिसकी वजह से हमें इसका रिजल्ट काफ़ी जल्दी मिलता है। और किसान भाइयों, बात करते हैं कि हमें इसका स्प्रे कब और फसल लगाने के कितने दिन के बाद से शुरू करना चाहिए। तो इसे स्प्रे करने की अवस्था के बारे में हम बात कर चुके हैं। जब फसल में पीलापन आ जाए या फसल की ग्रोथ रुक जाए, तब हमें इसका उपयोग करना चाहिए। यह लक्षण हमें तब दिखते हैं जब हमारी मिट्टी में जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो गई है, जैसे बुआई के समय एनपीके, डीएपी या एसएसपी की मात्रा कम डालकर फसलों को लगाना। तो इन मुख्य पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए हमें एनपीके 19-19-19 का उपयोग करना पड़ता है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि कितने दिन के बाद 19-19-19 का स्प्रे शुरू करना चाहिए। तो किसान भाइयों, जब आपकी फसल 20 दिन की हो जाती है तो उस समय से लेकर आप 70-80 दिनों तक की फसल में एनपीके 19-19-19 का स्प्रे अपनी फसलों पर कर सकते हैं। शुरू में पौधे की ग्रोथ के लिए हम 19-19-19 का उपयोग करते हैं और बाद में हम फल एवं फूलों के विकास के लिए 19-19-19 का उपयोग कर सकते हैं, और फिर 80 दिन के बाद हमें 0050 और 0534 जैसी अन्य खाद का उपयोग करना चाहिए। और किसान भैया, घुलनशील खाद का रिजल्ट हमें किसी और अन्य खाद की अपेक्षा काफी जल्दी मिलता है, और सिर्फ नैनो यूरिया को छोड़कर हमें और अन्य किसी भी खाद से सबसे ज़्यादा रिजल्ट एनपीके 19-19-19 का मिलता है, क्योंकि दोस्तों नैनो यूरिया स्प्रे करने के बाद 2 घंटे के बाद ही काम करना शुरू कर देता है। और किसान भाइयों, 19-19-19 को आप फूल की अवस्था में भी स्प्रे कर सकते हैं, जिससे फल फूल झड़ने की समस्या कम हो जाती है। इसे स्प्रे करने से यह पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा को भी बढ़ाता है और साथ ही यह पौधे में संपूर्ण विकास करता है। और किसान भाइयों, एनपीके की जरूरत फसलों को शुरू से लेकर लास्ट स्टेज तक रहती है। और किसान भाइयों, बात करें कौन कौन सी फसल में आप इसको उपयोग कर सकते हैं, तो आप सभी प्रकार की फल एवं सब्जी वर्ग की फसलों में आप इसको उपयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि एनपीके 19-19-19 को उपयोग करते समय हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। वैसे तो दोस्तों, आप एनपीके 19-19-19 को कभी भी और किसी भी फसल के ऊपर उपयोग कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों गर्म मौसम में दिन के समय हमें एनपीके 19-19-19 का उपयोग अपनी फसल पर नहीं करना चाहिए। गर्मी के मौसम में हमें शाम के समय या सुबह के समय इसका स्प्रे अपनी फसल पर करना चाहिए, और ठंड के मौसम में आप दिन में भी इसका स्प्रे कर सकते हैं। और वहीं दोस्तों, मेरे हिसाब से अगर आप एनपीके 19-19-19 का स्प्रे अगर सुबह के वक्त अपनी फसल पर करेंगे तो उस समय पौधा खाना बनाने का काम करता है, जिसके कारण यह स्प्रे की हुई खाद को जल्दी ग्रहण कर लेता है और हमें इसका रिजल्ट काफ़ी जल्दी देखने के लिए मिलता है। अब दोस्तों, बात करते हैं इसके डोज की। तो किसान भाइयों, आप 3 से 5 ग्राम पर लीटर पानी में मिला के आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और बात करें वहीं इसके प्राइस की, तो इसका 1 किलो का पैकिंग हमें 200 रुपये के आसपास मिलता है। तो यह था आज का वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।